अच्छा जी, अभी सबसे पहले तो जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको लेते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इरम का है कि डेस्टिनेशन कौन सी होगी। देखिए, अभी आप लोग डेस्टिनेशन का पता तब चलता है कंफर्म जब आप अपनी लिस्टिंग बना लेते हैं और उसके बाद आप शिपमेंट प्लान बनाते हैं। ठीक है, कि आपको शिपमेंट प्लान होता है कि आपको कितनी प्रोडक्ट्स जो है अमेजोन अलाउ कर रहा है या आप कितनी प्रोडक्ट्स अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाना चाह रहे हैं। उस वक्त जब ये शिपिंग प्लान बनता है तो उसमें अमेजोन अपनी डेस्टिनेशन बताता है कि फलां वेयर हाउस में या फलां इस जो है स्टेट के अंदर आपको स्टॉक भिजवाना है अपना। अमेजोन ने अपनी डेस्टिनेशन ही देनी है ना, तो वो तो कन्फर्म तो तब पता चलेगा। अभी आप लोग मोस्टली जो भी सोर्सिंग में काम कर रहे हो, आप यूएस में काम करो, यूएस की प्रोडक्ट के लिए सोर्सिंग करो। यूएस में जो हमारा 90% से ज़्यादा जो स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में जाता है वो डैलस एयर डैलस वाला DALLAS डैलस जो उनकी एक स्टेट है वहाँ पर जो वेयर हाउस है वहाँ जाता है। उसका आप पोस्टल कोड देख लो गूगल से, मेरे ख्याल में वो है 33333, ऐसा है कुछ। ठीक है, मजीद आप उसको गूगल करके चेक कर लो कि डैलस का जो वेयर हाउस है अमेजोन का यूएस में उसका पोस्टल कोड क्या है, तो आप वो वाला एड्रेस दे दो डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है, दूसरी बात जो है व्हाट इज अलीबाबा रिपोर्ट। अब जो अलीबाबा की रिपोर्ट से क्या मुराद है यहाँ पे, ये कौन पूछ रहा है, ये सप्लायर आपसे पूछ रहा है या क्या है ये, तो ये इस क्वेश्चन को मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है। बाकी इरम ये खुद करेंगी तो पता चलेगा, या आपको अगर किसी में थोड़ा है इसमें तो पूछें। और लिस्ट ऑफ हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स, तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना। हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट कहाँ से आपके पास आ गई है, ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई सप्लायर देता है कि ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स है तो इसका मतलब है वो उसका अपना कैटलॉग है, तो आप उसमें से कोई परचेज कर लो। हम तो जो भी प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं या सर्च करते हैं उसका सारा एनालिसिस करते हैं डिफरेंट टूल्स का यूज़ करते हुए, इसलिए आप हॉट सेलिंग प्रोडक्ट की लिस्ट किसी को नहीं कहेंगे। ठीक है, तो मुझे तो आपके सवाल से यही समझ आई है कि आप पूछ रहे हैं कि कोई ऐसी लिस्ट होती है, तो ऐसी कोई लिस्ट नहीं होती। हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स कोई भी ऐसे प्राइवेट बंदा या कोई प्राइवेट कंपनी या वो तो अगर अपना बिजनेस करने के लिए आपको रिकमेंड कर दें तो कर दें, अदरवाइज अदरवाइज नहीं होती ऐसी कोई। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो आपके क्वेश्चन थे, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं आप। आप किसी एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने उसके लिए सोर्सिंग के लिए आपने RFQ सबमिट किया था, लेकिन वो जो सप्लायर है जो आपको रिस्पांस दे रहा है, अब वो क्या करेगा, वो आपको उस होना तो ये चाहिए कि वो टू द पॉइंट बात करे और आपको वही प्रोडक्ट बताए जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। वो मजीद क्या करते हैं, वो आपको बाकी भी अपना कैटलॉग चिपका देते हैं कि आप हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट्स भी हैं। ठीक है, तो हमने तो यहाँ पर पूरी रिसर्च की है, अपना देखा कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो हमने परचेज करनी है और कोई क्या स्टैट्स हैं उसके, तो आपको वो सारा कुछ दे देंगे, तो वो आपको इधर उधर की बातें ड्रैग कर रहे हैं, आपने टू द पॉइंट रहना, अपनी प्रोडक्ट पे ही सोर्सिंग करनी है। ठीक है, वो आपको कैटलॉग देते हैं तो दे दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारी जो असल में प्रोडक्ट है हमने उसी पे रहना है। सही है, तो आप फ्यूचर के लिए आपके पास अगर हो तो वो अच्छी बात है, आपके पास उनका कैटलॉग है, उन्हीं प्रोडक्ट्स को भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर दोबारा स्टैट्स चेक करने पड़ेंगे सारे जाके, जंगल स्काउट चेक करना पड़ेगा, हीलियम में उनके सर्च वॉल्यूम चेक करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो आप ऐसे ही उनके साथ जो है किसी भी प्रोडक्ट पे काम नहीं कर सकेंगे, आपने जो प्रोडक्ट फाइनलाइज की है उसी की सोर्सिंग पे काम करें। अच्छा जी, तो लिस्टिंग जब हम करते हैं तो लिस्टिंग में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट बिक रही है अमेजोन पे आपको नजर आ रही है वो अमेजोन के कैटलॉग में है।
ठीक है, चाहे वो होलसेल हो रहा है, चाहे वो पीएल हो रहा है, चाहे ड्रॉप शिपिंग हो रही है, जो भी हो रहा है वो अमेजोन के पास है। जो चीज आप बेचने जा रहे हैं, प्राइवेट लेबल करने जा रहे हैं, क्या वो अमेजोन के पास है? क्या वो चीज अमेजोन के पास होगी? क्या ख्याल है आपका? अच्छा, गुड। सब लोग जो हैं इसी बात पे सहमत हैं कि लिस्ट अमेज़न के पास वो होगी। अच्छा, ये बताएं कि आप, ये बात तो सही है कि आप जो चीज़ बेचने जा रहे हैं ऑब्वियसली वो अमेज़ॉन के पास तो है पहले। क्या आपका ब्रांड अमेज़ॉन के पास है पहले? अच्छा, आपका ब्रांड नहीं है, ये बात सही हो गई। अब जो आप लिस्ट करने जा रहे हैं वो आप अपने ब्रांड की करने जा रहे हैं या किसी और की करने जा रहे हैं? अच्छा, जब अपने ब्रांड की आप लिस्ट करने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लिस्ट नहीं है, आपके ब्रांड की लिस्ट नहीं है पहले। ठीक है, आपके ब्रांड की कोई प्रोडक्ट नहीं है अमेजोन के कैटलॉग में। ठीक है, तो ये जो पहली वाली बात थी ना कि अमेजोन के पास है तो हम बेच रहे हैं, वो बात नहीं सही, क्योंकि इस वक्त हम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे। हम मतलब ये नहीं कह रहे कि वो अमेजोन के पास पहले कोई जो है वो कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आइस क्यूब ट्रे है, वो बेच रहा है या नहीं बेच रहा। आइस क्यूब ट्रे बिक रही है, आइस क्यूब ट्रे तो बिक रही है, लेकिन आपके नाम वाली आइस क्यूब ट्रे कोई नहीं बेच रहा पहले। इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो अभी आपने बेचनी है, जिसको लिस्ट करना है, वो अमेजोन के कैटलॉग में नहीं है। सही है ना? क्योंकि प्रोडक्ट्स तो पड़ी हैं, आपकी तो नहीं है ना वो। तो हम यहां पर जब कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस कौन से हैं? ये मेन्यूज हैं, ऊपर देखें, कैटलॉग का ऑप्शन है, इन्वेंट्री का ऑप्शन है। इन दोनों के अंदर जो है वो ऑप्शन मौजूद है कि जिसको हमने यूज करते हुए लिस्ट बनानी है। अगर कैटलॉग पे लेके जाऊं तो ऐड अ प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन यूज करेंगे। इन्वेंट्री के जो मेन्यू के अंदर भी ऐड अ प्रोडक्ट का ऑप्शन है। ठीक है, तो इन दोनों में से जो मर्जी आप यूज कर लो, पेज एक ही खुलेगा। ये जो आपके सामने है, ये पेज आपके सामने आ चुका है। उसके बाद वो कहता है फाइंड योर प्रोडक्ट्स इन अमेजोन कैटलॉग। अगर तो वो अमेजोन के कैटलॉग में है, तब जाके उसको फाइंड आप कर सकते हो। किस तरह? प्रोडक्ट के नाम से यूपीसी डालकर, ईएएन डालकर, आईएसबीएन डालकर या एएसआईएन, एसिन डाल के। हमने एसिन के बारे में, हमें पता है वो क्या होता है, और प्रोडक्ट नेम तो जो उसका कीवर्ड होगा वही होगा। अभी हमने यूपीसी ईएएन आईएसबीएन को नहीं देखा हुआ। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमने ये वाला ऑप्शन यूज नहीं करना, सर्च वाला, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट अमेजोन के पास है ही नहीं। सही है। अब इसका मतलब नीचे क्या लिखा हुआ, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। दूसरा है आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू एड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। और तीसरा है आई वांट टू लर्न हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये तो आ गया सेलर, आपको बताया जाएगा कि कैसे करना है। पहला वाला जो है, ये वाला ऑप्शन आपने यूज करना है, क्योंकि आप सिंगल प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो, तो आपने ये वाला आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, आप एक ऐसी प्रोडक्ट अपलोड करने जा रहे हो जो कि अमेजोन पे सोल्ड नहीं हो रही। ठीक है, इसके अंदर ये दूसरा ऑप्शन जो है, इसमें हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को जब लिस्ट करते हैं तो हम ये वाला अपलोड का ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है, इसमें फाइल को अपलोड किया जाता है तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग बन जाती है। अच्छा, तो ये वाला ऑप्शन है, हमने यूज करना है। ठीक है, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूं। अच्छा,
तो ये हमारे पास आ गया। इसमें देखें, अभी हम जो बात कर रहे थे कि यूएएन, सॉरी यूपीसी कोड क्या होता है, उसके बाद ईएएन कोड था और तीसरा आईएसबीएन था। यूपीसी कोड होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ये बार कोड होता और ये आपको कौन देता है, ये आपने खरीदना होता है। जब भी आप अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे आपको यूपीसी कोड चाहिए होगा। यूपीसी हो सकता है या ईएएन हो सकता है या आईएसबीएन भी हो सकता है। अब यूपीसी और ईएएन और आईएसबीएन में डिफरेंस क्या है, ये तीनों ही बार कोड्स हैं, तीनों की अपनी अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं या अपनी अपनी मार्केट्स में ये यूज होते हैं। जो यूपीसी है ना, ये यूज होता है यूएस में, ठीक है, और यूएस और मेक्सिको कनाडा में यूपीसी कोड यूज होता है। आउट ऑफ यूएस जो है वो ईएएन यूज होगा। ईएएन स्टैंड फॉर यूरोपियन आर्टिकल नंबर, ईएएन, ठीक है। तो ये देखें, इंटरनेशनल आर्टिकल नंबर जो है ये इसका ई से यूरोपियन है, तो यूएस से बाहर जहां पर भी हम यूज करेंगे वो ईएएन यूज होगा। तीसरा था आईएसबीएन। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आप बुक्स खरीदते हैं उसके ऊपर आईएसबीएन नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, आईएसबीएन। तो आईएसबीएन कहाँ यूज होगा, जब आप ई बुक्स बेचोगे, आपने बुक्स बेचनी है फिर आईएसबीएन होगा। अगर आप कोई और प्रोडक्ट बेच रहे हो तो मार्केट के हिसाब से आपको चूज करना होगा। अगर यूएस में कर रहे हो तो यूपीसी कोड चाहिए आपको, और अगर आप यूरोप में कर रहे हो या दूसरी मार्केट्स में कर रहे हो तो फिर आपको ईएएन नंबर चाहिए। अब ये कहाँ से लेंगे हम, ये आपको नंबर्स मिलते हैं, एक वेबसाइट है GS1, एक ऑर्गेनाइजेशन है GS1, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपको जो है ये बार कोड प्रोवाइड करती है दुनिया के लिए, जहाँ से भी आपको बार कोड चाहिए वो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करेगी। और ये यूपीसी का तो मतलब है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया में ये जो नंबर है वो यूनिक नंबर होगा जो आपको मिलेगा। इस नंबर का मतलब डुप्लीकेशन नहीं होगी या किसी और को ये अलॉट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये यूपीसी कोड या ईएन कोड, ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा कोड है जिसके बगैर आप लिस्टिंग नहीं बना सकेंगे। ये बार कोड जो है ये बहुत जरूरी है, ये प्राइमरी की का रोल प्ले करता है आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग में, डेटाबेस के अंदर जब इसको सेव किया जाता है। अब यूपीसी कोड आपको GS1.org से खरीदना है, और ये कैसे खरीदेंगे आप, ये जब आप खरीदते हैं तो आपकी कंपनी, आपकी कोई कंपनी होगी जो कि रजिस्टर्ड होगी, जिसके नाम पे आपने अमेजोन का अकाउंट बनाया हुआ है, वो यूके में है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, यूके एलटीडी कहते हैं उसको, यूएस में है तो वो एलएलसी होगी, ठीक है। आपने उस कंपनी के नाम पे ये खरीदना, ताकि ये जो कोड है ये उस कंपनी की ओनरशिप बन जाए, ठीक है। और जब आप इस कोड को यूज करके अपनी लिस्टिंग बना लोगे तो आपकी लिस्टिंग की पहचान क्या होगी, ये यूपीसी कोड। अगर कोई हाईजैकर आके आपको जो है वो हाईजैक करने की कोशिश करता है तो आप दिखा सकते हो कि ये यूपीसी कोड मेरी कंपनी के नाम पे बना हुआ है और ये मेरा कोड है और ये मैं इसका ओनर हूँ, मेरी कंपनी ओनरशिप इसको रखती है इस यूपीसी की, इसलिए हाजा ये लिस्ट भी मेरी है। आप ये प्रूफ दोगे अमेजोन को। मजीद हम ये करते हैं कि अपने ब्रांड जब हम लॉन्च करते हैं तो ब्रांड की एक वेबसाइट भी बनाई जाती है, वो कोशिश यही होती है कि जो हमारा ब्रांड नेम है उसी नाम से ही वेबसाइट भी बने, उसका डोमेन नेम वही होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम अपनी वो जो यूपीसी कोड है उसको हम अपनी उस वेबसाइट में भी यूज करते हैं, ताकि ये मजीद हम प्रूफ दे सकें, देखें जी ये वाली वेबसाइट भी हमारी है
और यूपीसी कोड जिसकी अथॉरिटी मेरे पास है, जिसकी ओनरशिप मेरे पास है, यही यूपीसी कोड इस वेबसाइट पे भी नजर आ रहा है आपको। इसका मतलब है वेबसाइट की ओनरशिप भी हमारे पास ही है। इस तरह से आप अपने ब्रांड को जो है वो शो करते हो कि ये आपका अपना ब्रांड है, ये आप हाईजैकर को भगाते हो। ठीक है, अच्छा ये जो यूपीसी कोड है ये आपको GS1 से ही खरीदना है, रिकमेंडेड यही है। अब कुछ और कंपनियां भी हैं जो कि आपको यही वाला बारकोड देती हैं, लेकिन उनमें से कुछ हैं जैसे कि स्पीडी बारकोड, मैं भी लिखता हूँ स्पीडी बारकोड, इसका आ जाएगा अभी URL, ये देखें speedybarcodes.com के नाम से आ गया। अच्छा और भी एक है नेशन वाइड, नेशन वाइड बारकोड, इसका भी ये देखें nationwidebarcode.com। ठीक है, ये भी कंपनियां आपको बारकोड दे रही होती हैं। अच्छा अब देखिए ये लिखा हुआ है GS1 ओरिजिनेटेड यूपीसी बारकोड्स। ठीक है, ये स्पीडी बारकोड्स पे भी शायद कहीं GS1 का जिक्र होगा। ठीक है, लेकिन GS1 ये खुद से है। इसका मतलब है कि GS1, मैं आपको बता दूं कि GS1 वाहिद कंपनी है जो कि बारकोड्स बनाती है। इसी के बारकोड्स ही हम खरीदते हैं और रिकमेंडेड भी यही है कि GS1 से ही खरीदो। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि GS1 से खरीदती हैं, जैसे ये दो स्पीडी बारकोड और नेशन वाइड वाले, ये दोनों क्या करेंगे GS1 से खरीद लेंगे और ये फिर आपको आगे बेचेंगे। जब ये आपको बेचेंगे तो ये आपको ओनरशिप नहीं देंगे, ओनरशिप ये अपने पास रखते हैं, आपको अथॉरिटी देते हैं कि आप इसको यूज कर लो। तो वो अथॉरिटी आपको दी है, वो अथॉरिटी सेम बारकोड की किसी दूसरे को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक ही बारकोड दो लोगों के पास जा सकता है, इसमें ये खदशा होता है। ये कम पैसे में आपको बारकोड दे देते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको अथॉरिटी देते हैं, आपको ओनरशिप नहीं देते। जो GS1 है ये आपको ओनरशिप देगा, जिस तरह GS1 ने इन दोनों को भी ओनरशिप दी। तो ये दोनों क्या करेंगे, बल्क में खरीदेंगे GS1 से और फिर आगे सस्ते करके बेचेंगे, GS1 से कम रेट में बेचेंगे। अब ये कम रेट में कैसे बेच रहे हैं, क्योंकि ये एक कोड को मल्टीपल लोगों को भी चिपका रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, ये ओनरशिप नहीं देते, ये अथॉरिटी देते हैं, समझ रहे हैं बात ये। अच्छा अब आपको GS1 से जब खरीदना है कोड, तो आपको देखना ये है कि आप किस मार्केट के लिए लेना चाह रहे हैं। अच्छा इसमें एक और भी है, गेट योर बारकोड GTIN। ठीक है, GTIN क्या चीज़ है ये भी हम देख लेते हैं। ये है ग्लोबल ट्रेड, एक मिनट देख लेते हैं GTIN, हाँ जी ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर GTIN, और ये भी GS1 से ही ले रहे हैं। GTIN के नाम से आपको नजर आ रहा है कि ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर है ये। ठीक है, मतलब कि आप GTIN अगर खरीद लेंगे तो उसको आप US में भी यूज कर सकते हैं, उसे आप यूरोप में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली UPC खरीदेंगे तो वो सिर्फ US में यूज होगा, स्पेसिफिकली EAN खरीदेंगे तो वो सिर्फ आउट ऑफ US यूज होगा, लेकिन अगर GTIN लेते हैं तो वो हर जगह यूज हो सकता है। ठीक है, तो हमने बार कोड जो है वो GS1 से ही लेने हैं। ये जब आप एज ए ये काम करेंगे तो आप अपने क्लाइंट को यही रिकमेंड करेंगे कि आपने ये GS1 से ही परचेज करने हैं। ठीक है, URL क्या चीज है, URL से भी परचेज कर सकता हूँ, क्या मतलब URL, अच्छा अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो अगर आपको ये अमेजोन सेलर सेंटर हम इंशाल्लाह कल बनाएंगे, मैंने वो स्कैन ही नहीं करवाया अपना आईडी कार्ड, तो हम अमेजोन सेलर सेंटर बनाते हैं कल इंशाल्लाह। तो आप लोगों के पास भी अमेजोन आप बनाएंगे अपना, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप
आप इस तरह से लिस्ट बना सकते हैं। तो ये जो GS1 है ना, ये बारकोड तो देता है, $50 कम से कम इसकी प्राइस है, ठीक है, और पैक में देता है 10 आपको UPC इकट्ठे देता है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए ना, तो आप स्पीडी बारकोड पे जाके एक बारकोड फ्री में ले सकते हो, फर्स्ट बारकोड फ्री, क्लिक हेयर, इस तरह से आप एक बारकोड यहाँ से ले सकते हो इससे, तो उसको यूज करते हुए आप अपनी लिस्टिंग भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से एक ईमेल पे जब आप अकाउंट बनाओगे तो आपको एक बारकोड मिल जाएगा, आप इसके थ्रू आप कर सकते हो काम। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहला है फेवरेट्स। ये फेवरेट्स क्या चीज़ है? आपने कैटेगरी कोई जो है ना अपनी चूज़ करनी है। सबसे पहला काम है कैटेगरी चूज़ करना, ठीक है। आपने कोई फेवरेट कैटेगरी अभी तक नहीं डाली हुई, तो सर्च में सबसे पहले हम जाएंगे अपनी व्हाट इज़ प्रोडक्ट टाइप, आपकी प्रोडक्ट टाइप क्या है, उसको आप सर्च कर लें, या आपकी जो भी प्रोडक्ट है जैसे कि आइस क्यूब ट्रे है, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ तो ये मुझे जो कोई ना कोई कैटेगरी सजेस्ट करेगा, ठीक है। ये देखें, उसने कहा कि वन मैचिंग कैटेगरी मिल गई है उसे, प्रोडक्ट टाइप है आइस क्यूब ट्रे और मेन कैटेगरी है होम एंड किचन। आप लोगों को याद होगा कि अब जब आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे थे उस वक्त लेफ्ट साइड से आप कोई कैटेगरी चूज करते थे, उसके अंदर जाके फिर आप सर्च करते थे। इसी तरह से आपने जब लॉन्च करना है तब भी आपने कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में जाना है, तो यहाँ आप होम एंड किचन में जाएंगे, उसके बाद किचन एंड डाइनिंग इसकी सब कैटेगरी है, फिर अंदर आगे मजीद सब कैटेगरी क्या है, किचन यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स, फिर मजीद क्या है, स्पेशलिटी टूल्स एंड गैजेट्स, मजीद सब कैटेगरी में जाएंगे तो आइस क्यूब मोल्ड एंड ट्रेस। तो ये आखिरी नोड है, ठीक है, लीफ नोड है ये, मतलब एंड है इसका। इसको अगर आप चाहें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहां से, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मैं तो ब्राउज करूंगा, मैं खुद से देखूंगा, मैं अमेजोन की दी हुई कैटेगरी को नहीं मानता, मैं खुद से देखना चाह रहा हूँ कि यार मैं देखूँ कि मेरी कैटेगरी क्या बनती है, तो ये आप यहाँ से, ये सारी मेन कैटेगरीज दी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखें, इनमें से आप कैटेगरी चूज करें। तो एक तो आइस क्यूब ट्रे किचन या होम की प्रोडक्ट है, तो हम होम एंड किचन ही पहली कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कर ली। अब इसकी सब कैटेगरीज आ जाएंगी यहाँ पे, हाँ जी। उसके बाद होम एंड किचन की किस सब कैटेगरी को आप चूज करोगे यहाँ से, हाँ जी, किचन एंड डाइनिंग नजर आ रही है, उसके बाद स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं ये नहीं बनती, तो यहाँ किचन एंड डाइनिंग ही बनती है, कर ली। फिर मजीद सब कैटेगरी में चले जाओ, बेकवेयर ये नहीं है प्रोडक्ट, ठीक है, बेकवेयर नहीं है तो फिर क्या है, कुकवेयर भी नहीं है, आपने तो जमानी है, बर्फ बनानी है, कटलरी नाइफ एसेसरीज भी नहीं है, डाइनिंग एंटरटेनमेंट भी नहीं है, क्या है फिर ये, किचन यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स हो सकती है, वैसे गैजेट तो है ना ये, अच्छा स्मॉल अप्लायंसेस पार्ट्स एंड एसेसरीज भी हो सकती है, एसेसरी तो हो सकती है ये पार्ट्स, स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन ट्रैवल, अच्छा हम स्मॉल अप्लायंसेस वैसे तो इलेक्ट्रिक कैटेगरीज होती हैं उसको कहते हैं, चले मैं इसको चेक करता हूँ इसके अंदर मजीद क्या है, वरना हम वापस आ जाएंगे, हाँ जी इसके अंदर देख लें। अब ये हर चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिक है, ठीक है, मशीन्स आ गई हैं इसके अंदर, तो ये हमारी कैटेगरी नहीं है, हम वापस जाते हैं किचन एंड डाइनिंग के अंदर जाके, अच्छा हम देखेंगे कि ये कहाँ किस कैटेगरी में आनी चाहिए, तो किचन यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स के अंदर चेक कर लेते हैं, यही ऊपर भी उसने दिया हुआ है सारा कुछ, अच्छा फिर भी हम मजीद अपनी ब्राउजिंग अपनी तसल्ली कर रहे हैं, बेकिंग टूल नहीं है ये, बार एंड वाइन टूल्स नहीं है ये, फिर क्या है ये, कुकिंग यूटेंसिल्स भी नहीं है ये, किचन एसेसरीज हो सकती है कह सकते हैं इसको हम, अच्छा 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 टूल्स एंड गैजेट सेट भी हम कह सकते हैं, ठीक है, ये आपकी अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं ना तो ये समझ लें लीफ है, एंड है, इसके बाद मजीद नहीं आनी, तो इसमें प्रोडक्ट टाइप उसने कहा किचन टूल्स वाली जो है वो इसमें आनी है, तो ये हमारी प्रोडक्ट इसमें जो है नहीं फिट आ रही, अच्छा स्पेशलिटी टूल्स एंड गैजेट्स
और सीजनिंग एंड स्पाइस टूल्स। अच्छा इसको चेक कर लेते हैं, सीजनिंग एंड स्पाइस टूल्स के अंदर क्या है। हाँ जी, अब देख लें कि इनमें फिर कुछ सब कैटेगरीज हैं और कुछ लास्ट कैटेगरी है इनमें, इसके मजीद आगे नहीं जा रही। तो जो लास्ट है उसमें उसने प्रोडक्ट टाइप भी आपको बताई हुई है, कुकिंग डिरेजिस जो है वो उसमें प्रोडक्ट किचन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हर्ब स्पाइस मिल्स या ये जो भी हैं ये सारी ये चीजें नहीं हैं, वापस जाते हैं। तो हम अल्टीमेटली मेरे ख्याल में हमने वही कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी जो ऊपर दी गई है। सम टाइम हमें मतलब एक से ज्यादा कैटेगरीज में ऑप्शन मिल जाता होता है, लेकिन इसमें जो है हमारे पास ऑप्शन जो है वो किचन यूटेंसिल एंड गैजेट्स तो हो गया, उसके अंदर कौन सी है। ये है और शायद लास्ट में कुछ चेंज मिल जाए हम। अब देखें ये सारी कैटेगरीज अब लास्ट लास्ट है। ठीक है, इसमें आप प्रोडक्ट टाइप में देख लें, किचन टूल्स हैं, किचन टूल्स हैं, फूड प्रेपरेशन मोल्ड, आइस पॉप मोल्ड्स भी हम लिख सकते हैं इसको, लेकिन ये हमने देखनी है कि बेस्ट फिट कौन सी है। प्रोडक्ट टाइप आइस क्यूब ट्रे आ रही है अगर हम ये वाली चूज करते हैं, किचन टूल्स हैं, जार है, किचन टूल्स हैं। अच्छा जी, फनल है, किचन टूल्स। तो इनमें से वैसे तो आप जो मर्जी लगा लें, लेकिन बेस्ट फिट वही है जो आपके प्रोडक्ट को यहाँ पर दिखा रही है, तो ये वाली ही कैटेगरी है। तो समझ लें कि इसके अंदर हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, हमने ब्राउज भी करके देख लिया, हमारे पास दो ऑप्शन थे ही नहीं। अगर दो होते ना हमारे पास ब्राउज में, तो वो ऊपर भी हमें दो ऑप्शन जरूर देता अमेजोन। ठीक है, तो आपने ब्राउज करके देख लिया यहाँ पे कि ब्राउज करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ऑप्शन एक ही हमारे पास। ठीक है ना, अगर दो ऑप्शन हो तो अमेजोन ऊपर भी दो दे देता है, लेकिन मैंने दोनों मेथड आपके सामने करके दिखा दिए हैं। ठीक है, अच्छा ये जब हमने एक कैटेगरी चूज कर ली है, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी जो फॉर्म हमारे पास आया है उसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि प्रोडक्ट आईडी मुझे बताओ। अब ये जो प्रोडक्ट आईडी है ना, ये यूपीसी कोड ही है, यहाँ पर आपने ये यूपीसी खरीदना है, आपने वही लगाना है। जब आप ये लगा लेंगे तो उसके बाद वो पूछेगा कि ये कौन सी टाइप है जो आपने आईडी लगाई है, ये क्या चीज है, जी टी आई एन ई एन है, जी सी आई डी है, यूपीसी है या एसिन है। ठीक है, एसिन नहीं होगा क्योंकि यूपीसी कोड जो हम लेंगे एसिन होता है, अमेजोन जब लिस्ट बनती है तो ऑटोमेटिकली उसे असाइन करता है। एसिन हम जब पेरेंट लिस्टिंग बना रहे होते हैं उस वक्त हम एक कनेक्शन बनाने के लिए एसिन यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जी टी आई एन हो सकता है, ई एन हो सकता है या यूपीसी हो सकता है। इसमें एक जी सी आई डी है, इसको भी देख लेंगे ये क्या होता है। जी सी आई डी, दी ग्लोबल कैटलॉग आइडेंटिफायर जो है, इज अ नंबर दैट अमेजोन गिव्स योर प्रोडक्ट टू शो दैट इट्स योर ब्रांड। ठीक है, ये जो ग्लोबल कैटलॉग आइडेंटिफायर है, इफ यू अप्लाई फॉर ब्रांड रजिस्ट्री अमेजोन विल असाइन दैट नंबर टू योर प्रोडक्ट, यू कैन ओनली यूज दिस आई डी वेन एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज पार्ट ऑफ योर अप्रूव्ड रजिस्टर्ड ब्रांड लिस्ट। अच्छा, इस वक्त अभी जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास कोई ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है, आप लिस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जी सी आई डी हम यूज नहीं करते। अच्छा, एक तो ये आपने यहाँ से या तो जी टी आई एन होगा, ई एन होगा या यूपीसी होगा। प्रोडक्ट नेम में आपने यहाँ पर क्या आएगा, एरो के ऊपर लेके जाएं, आपको ये बता देगा कि ये क्या चीज है। ये एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, 1 कैरेक्टर मिनिमम इन लेंथ एंड 100 कैरेक्टर्स मैक्सिमम इन लेंथ। ठीक है, नोट टाइप 1 हाई आस्की कैरेक्टर्स और अदर स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट सपोर्टेड। आप लोगों ने लिस्टिंग देखी है तो वहां पर जो टाइटल होता है वो प्रोडक्ट का नेम ही होता है, तो यहाँ पर असल में आपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट का नाम होता है, ये हम टाइटल लिखते हैं, ये टाइटल बड़े ध्यान से लिखा जाता है। इसके अंदर जो कीवर्ड्स को हमने डालना होता है, वो कीवर्ड्स हमारे कोई ऐसा कीवर्ड होना चाहिए जो एग्जैक्टली हमारी प्रोडक्ट को जो है वो
उस तक पहुंच रहा हो, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। यहाँ पर ब्रॉड कीवर्ड हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज कर लें, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि टाइटल के अंदर सिंगल कीवर्ड यूज करो, और कीवर्ड की स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, कीवर्ड की अंदर रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, किसी वर्ड की रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना टाइटल लिखेंगे, ये कंपल्सरी है, ब्रांड नेम आप लिखेंगे, ठीक है, दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, अगर ये आप क्लिक करते हो तो फिर जेनेरिक का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अगर आपके पास ब्रांड नेम नहीं है तो आप जेनेरिक के साथ चले जाओ, तो अगर आपके पास ब्रांड नेम है तो ब्रांड नेम ही लिखोगे आप यहाँ पे। उसके बाद आइटम टाइप कीवर्ड, अच्छा जी, ये जो है इसके ब्राउज ट्री BTG होती है, ब्राउज ट्री गाइड, ठीक है, ये मैं कल आपके साथ अलग से इसको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। मेरे पास कुछ UPC कोड्स पड़े हुए हैं, उनमें से कोई कोड उठाकर कल एक लिस्टिंग हम बनाएंगे, ये वैसे किसी क्लाइंट का अकाउंट है तो मैं उसकी लिस्टिंग तो आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, लेकिन हम उस पर एक लिस्टिंग बनाएंगे, ठीक है। एक और अकाउंट भी है, वो फ्रेश है बिल्कुल, उस पर बना लेंगे, यहाँ पर तो काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इसके पास हैं, तो कल हम एक लिस्टिंग बनाएंगे UPC कोड जो है उसका उठा के। तो UPC कोड काफ़ी कॉस्टली होते हैं, लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा खरीदे हुए हैं तो हम एक यूज़ कर लेंगे, तो जो UPC कोड आप एक दफ़ा यूज़ कर लो वो दोबारा यूज़ नहीं होता, ठीक है। इस तरह से हम करके नेक्स्ट टैब की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, अभी तक जो जो आपके पास ये इसने जो जितने आपको चीज़ें दी हैं ना, तो ये कंपलसरी वाली हैं। अगर आप एडवांस व्यू में जाते हो तो यहाँ पर मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, ठीक है, जो सारी ही ऑप्शनल हैं। इस स्टेज पे आप इन्हें छोड़ सकते हो खाली ऐसे ही, ठीक है। तो ये एडवांस है, जब हम एडवांस में जाते हैं तो आप देखें कि ऊपर वाले जो कॉलम, पहले चार स्टेजेस थी, अब पहले देखें कितनी थी, पहले वाइटल इन्फो थी, वेरिएशन थी, ऑफर थी और इमेजेस थे, ठीक है। अगर आप एडवांस व्यू में जाते हो तो ये वाली भी तकरीबन चार और चार आठ बन चुके हैं, ठीक है, तो आपको ये आठ टैब्स को फिल करना है। दूसरे नंबर पे वेरिएशन होती है कि आपकी वेरिएशन कौन सी है जी, कलर नेम की वेरिएशन है आपकी, वेरिएशन अगर कलर टाइप्स की है तो आप कलर थीम यूज़ कर लोगे, आपकी कलर साइज दोनों हैं तो आप दोनों यूज़ कर लोगे, ठीक है, समझ रहे हैं। ये वेरिएशंस होती हैं आपकी प्रोडक्ट में, जैसे सपोज करें कि आप कोई टी शर्ट बेचना चाह रहे हो और टी शर्ट के अंदर साइजेस भी हैं और कलर्स भी हैं, इसका मतलब है कि दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनके अगेंस्ट वेरिएशन हम डिफाइन करते हैं, कलर भी है और साइज भी है। हाँ जी, कितने कलर हैं, कलर आपके पास और साइज आपके पास कौन से हैं, आपके पास जो कलर है समझ लें कि वाइट कलर है, कलर आपके पास रेड है, कलर आपके पास ब्लैक है, तीन हो गए। अच्छा, साइज आपके पास कौन कौन से हैं जी, स्मॉल है, लार्ज है, तो ये हमने दो लिख लिए। ऐड वेरिएशंस पे क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि नीचे छह लिस्टें टोटल बन चुकी हैं, आपकी टोटल वेरिएशन कितनी थी, छह वेरिएशंस बन गई हैं, जो कि दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही हैं, कलर पे और साइज पे। वाइट स्मॉल हो सकता है और वाइट लार्ज हो सकता है, रेड स्मॉल हो सकता है, रेड लार्ज हो सकता है, ब्लैक स्मॉल हो सकता है, ब्लैक लार्ज हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी वेरिएशंस को भी यहाँ पे डिफाइन करना है। अब वेरिएशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कलर मैप है, ठीक है, आप कलर के बारे में बताओगे, कलर कौन सा है, जो चीज़ें यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है आप उनको खाली छोड़ सकते हैं। सेलर SKU, SKU होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, SKU होता है, इसका बायर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे अगर सपोज करें कि मैं सेलर हूँ और आप बायर हैं, तो SKU होगा वो मैं अपने लिए लिखूंगा, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाऊंगा, ठीक है। इसका SKU क्या हो सकता है, इसका SKU हो सकता है टी शर्ट, वाइट और स्मॉल,
ठीक है, ये इसका एसकेयू हो सकता है, समझ रहे हैं कि ये इससे क्या पता चल रहा है, टी शर्ट है और वाइट स्मॉल वाला, अगर ये लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगी, टी शर्ट, इसको आप डैश के साथ भी लिख सकते हैं, टी शर्ट डब्ल्यू एच टी वाइट और एल आर जी लार्ज। तो ये यूपीसी, सॉरी ये जो है एस के यू है, ये आप अपने लिए लिख रहे हैं क्योंकि आपकी वेरिएशंस हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये वेरिएशन कौन सी वाली है, ये वाइट में लार्ज है या वाइट में स्मॉल है, तो आपको यहाँ से एस के यू देख के पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी में वही चीज़ लिखते हैं जैसे आपके बार कोड यूपीसी कोड की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ें आएंगी। फिर आगे इसी तरह आपने प्रोडक्ट आईडी भी उसी तरह चूज कर लेनी है। आइटम कंडीशन क्या होगी, आप जो चीज़ बेच रहे हैं वो यूज तो नहीं है ना, वो तो न्यू होगी, तो आपने न्यू वाला यहाँ से सेलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद उसकी स्टैंडर्ड प्राइस है और क्वांटिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पिक करेंगे, तो आपकी ये एक लिस्ट जो है आपकी वेरिएशंस यहाँ ऐड हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ऑफर में चले जाएंगे हम, ऑफर में जब जाएंगे तो ऑफर के अंदर प्रोडक्ट टेक्स्ट को, अच्छा इसके अंदर जो चीजें आपको मैंडेटरी हैं वो आप फिल कर दें, जो नहीं है उनको आप खाली छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब देखें इसमें स्टार्ट डेट आपको नहीं पता कौन सी है, क्योंकि अभी ऑफर स्टार्ट डेट, अच्छा ये आप ऑफर लगा रहे हैं लेकिन ऑफर अभी हम नहीं लगाएंगे, इसको हम बाद में भी यूज कर सकते हैं, अभी तो हम एक डमी लिस्टिंग बना रहे हैं, ठीक है। अभी तो हमारी इन्वेंट्री भी चाइना में है, अभी हमने वो फाइनल नहीं की हुई कि कितनी मंगवानी है और कितना ऑर्डर प्लेस करना है, अभी कुछ नहीं फाइनल, हम डमी लिस्टिंग बना रहे हैं। हमने देखा है कि सेलर दो तरह के होते हैं, एक एफबीए होता है और एक एफबीएम होता है। अब आप कौन सी वाली ऑप्शन यूज कर रहे हैं, फुलफिलमेंट चैनल, ये आपको फिल करना जरूरी है, ठीक है। फुलफिलमेंट चैनल कौन सा होगा, क्या आप यहाँ लिखा, पहला है आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, तो मर्चेंट फुलफिलमेंट मतलब एफबीएम, बाय डिफॉल्ट जो इसने चेक किया हुआ या सिलेक्ट किया हुआ है वो कौन सा है, वो एफबीए है। अमेजोन जो है वो सबको एफबीए की ऑफर देता है कि पहले एफबीए करो आप, अगर आप इसको खाली छोड़ दोगे तो मतलब एफबीए सिलेक्टेड है, ठीक है, आपकी लिस्टिंग जो है एफबीए में ही बनेगी, लेकिन अगर आप एफबीएम करना चाह रहे हो तो आप इसको यहां से सिलेक्ट कर लो, ठीक है, अदरवाइज ये एफबीए ही होगी। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे कि जब आप एफ बी ए ही के साथ ही जाते हो तो आपकी जो लिस्टिंग आप पूरी क्रिएट कर लोगे, और लिस्टिंग अगर क्रिएट हो जाती है, कोई एरर नहीं आता, तो आपकी जो लिस्टिंग है ये डमी लिस्टिंग कहलाएगी, ये लिस्टिंग एक्टिव नहीं होगी, इस लिस्टिंग पे आप कोई चीज़ बेच नहीं सकते, डमी लिस्टिंग होगी, ठीक है। इस लिस्टिंग पे आप अमेजोन के साथ बात ज़रूर कर सकते हो, रेफरेंस दे सकते हो अपनी प्रोडक्ट का, और पूछ सकते हो कि मुझे कोई सर्टिफिकेशन अगर चाहिए तो बताओ, अगर मुझे इस चीज़ को बेचना है तो अगर कोई आपको सर्टिफिकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है तो बता दें, ताकि वो हम सप्लायर से जो है वो बनवा लें, सर्टिफिकेट ले लें वो वाला, ठीक है। तो ये डमी लिस्टिंग का पर्पस यही है। अब डमी लिस्टिंग जो है वो आपकी एक्टिव लिस्टिंग जैसी नहीं होती। डमी लिस्टिंग किस वजह से है, डमी लिस्टिंग इस वजह से है कि आपके पास वो चीज़ ही नहीं है बेचने के लिए जिसके बारे में आपने लिस्ट यहाँ बनाई है। कैसे पता चला अमेजोन को चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि हमने शिपमेंट अमेजोन से करवानी है और अमेजोन के पास आपका स्टॉक ही नहीं है, इसका मतलब है आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, इसलिए आपकी जो लिस्ट है ये एक्टिव नहीं होगी, ये डमी बनेगी। लिस्टिंग कब एक्टिव होती है, जब आपका स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचता है, अमेजोन उसको टैली करके आपकी इन्वेंट्री में ऐड कर देता है कि हाँ जी आपके पास इतने पीसेस पड़े हुए हैं और रेडी टू सेल हैं। अगर रेडी टू सेल वाले स्टेटस में आपके पास कुछ पीस आ जाते हैं तो आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी और उस पर आप अब सेल लेके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एफ बी एम के साथ जाते हैं तो आपकी लिस्टिंग बनते ही एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अगर आप उसको इन्वेंट्री शो कर देते हैं कि आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है 50 पीस पड़े हुए हैं,
तो आपकी लिस्टिंग जो है वो लाइव हो जाएगी और आप उस पे बेच सकते हो, क्योंकि अब आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, अब आपने ही बताना कि जी इन्वेंट्री कितनी है। अगर आप कह दोगे जीरो इन्वेंट्री है तो फिर वो जीरो का मतलब है अभी आपके पास स्टॉक नहीं है, आपकी लिस्टिंग तब तक एक्टिव नहीं होगी जब तक उसके अंदर स्टॉक नहीं डालोगे। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जो है, अच्छा एक और बात, ये अभी मैंने जब FBM वाली लिस्ट की है तो बहुत सारे लोग FBM भी कर रहे होते हैं, वो FBA नहीं करना चाहते क्योंकि वो कहते हैं कि अमेजोन को फीस देनी पड़ेगी, अमेजोन हमसे चार्ज करेगा। ठीक है, तो इसलिए वो FBM ही करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग अपने वेयर हाउस बना के खुद से काम कर रहे होते हैं। तो मैंने FBM किया तो मुझे उसने एक ऑप्शन दे दिया कि ये वाली सेटिंग अगर आपको नेक्स्ट टाइम भी चाहिए तो इसको चेक कर लो, या ऐसे कर लो, मतलब अगली दफा आओ तो ये चूंकि मैंडेटरी नहीं है ये फील्ड, तो आप अगर इसको ऑप्शन में छोड़ भी जाओ तो ये ऑटोमेटिकली FBM वाले ही के साथ ही जाएगी आपकी लिस्ट। ठीक है, लेकिन हम FBM नहीं, हम FBA के साथ ही जाना चाहते हैं। FBA में ये चीज नहीं है क्योंकि अमेजोन बाई डिफॉल्ट या ऑटोमेटिकली FBA को साथ ही चलता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं कंप्लायंस के अंदर। अब कंप्लायंस के अंदर भी देख लें आप, पूरी टॉप टू द बॉटम आपको हर चीज ऑप्शनल ही नजर आएगी। ठीक है, इसके अंदर होती है कि चीजों के अंदर अगर आपकी कोई बैटरी आइटम है या कोई इस तरह की लिथियम बैटरी पैकेजिंग है, अगर उस तरह की कोई आपकी लिस्टिंग है तो आपको उसके बारे में यहाँ पे सारी चीज इंफॉर्मेशन देनी है। आगे इमेजेस आ जाते हैं, प्रोडक्ट के इमेजेस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट होता है लिस्टिंग का। अब देखें आपको यहाँ पर टोटल कितने इमेजेस नजर आ रहे हैं, 9 इमेजेस। 9 में से सबसे पहले ये लिखा हुआ मेन इमेज, ठीक है, यहाँ मेन अपलोड करेंगे और बाकी 8 और हैं। लेकिन कभी आपने किसी भी लिस्टिंग पे 9 इमेजेस देखें, अगर आपने लिस्टिंग देखी हो, आपने प्रोडक्ट रिसर्च की तो वक्त भी देखी थी, आपने लिस्टिंग का जो पिछला लेक्चर था उसमें भी हमने लिस्टिंग देखी है, हमने जितनी भी देखी है वहां पर कितने इमेजेस नजर आ रहे होते हैं हमें, टोटल 9 तो नजर नहीं आए कभी भी, हमें 7 इमेजेस नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अमेजोन यहाँ पर आपको 9 इमेजेस अपलोड करने का ऑप्शन देता है, लेकिन वहां नजर 7 ही आने हैं। तो अगर आप चाहें तो आप 7 ही इमेज अपलोड कर दें, बाकी 2 खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो मेन इमेज है ये, इसमें मेन इमेज आपने डालना। और मेन इमेज कैसा होता है, मेन इमेज जो है वो आपका 3D इमेज होगा, 3 डायमेंशनल, और बैकग्राउंड उसका वाइट होगा, उसके ऊपर कोई लोगो कोई कुछ भी ब्रांड नेम वगैरह प्रिंट नहीं करना आपने। ठीक है, और आपकी जो टोटल इमेज का 80% जो है वो आपकी प्रोडक्ट नजर आनी चाहिए उसमें। ठीक है, खाली जगह भी हो, लेकिन ऐसा ना हो कि आधी इमेज खाली पड़ा, बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड नजर आ रहा है और आधी में प्रोडक्ट नजर आ रही है, इमेज नजर आ रहा है। तो इमेज ऐसा हो कि वो 3D इमेज लगे, 3D इमेज ही होना चाहिए। बाकी प्रोडक्ट की हमने टाइप्स देखी थी लास्ट लेक्चर में भी, कोई इंफोग्राफिक्स होते हैं, कुछ लाइफस्टाइल इमेजेस होते हैं। ठीक है, तो वो आप मिक्स यहाँ डालेंगे। अभी यहाँ वीडियो अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन कब मिलता है, जब आप EBC कंटेंट के लिए अमेजोन से जो है एक्टिव करवाते हो EBC को, और EBC कब एक्टिव होता है, जब आप ब्रांड रजिस्टर्ड होते हो। अच्छा, इमेजेस के बाद आप देख लें कि, अच्छा इसमें मजीद ये है कि सी इमेज गाइडलाइंस, ये गाइडलाइन दी गई है। ठीक है, ये इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये गाइडलाइन आ जाएंगे, इसको मैं खोल के चेक करता हूँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट इमेजेस रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, ये सारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये मैं आपके साथ लिंक शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये लिंक मैंने आपको दे दिया। देखें आपके पास खुलता है कि नहीं खुलता, खुल जाना चाहिए वैसे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वाला आ गया इमेजेस के बाद। अब डिस्क्रिप्शन में देखें तो आपको ये डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है, जहां उसने कहा कि आपने मैक्सिमम 2000 करेक्टर्स को यूज करना है। ठीक है, और इसके अंदर आप करेक्टर्स का मतलब है जो ब्लैंक स्पेसेस हैं वो भी शामिल हैं। ठीक
लेकिन 2000 को फिल करना रिकमेंडेड नहीं है, और इसमें कीवर्ड जो मैक्सिमम आपने डालने हैं वो 4 से 5 कीवर्ड्स डालने हैं, ठीक है। ये आपका एक पैराग्राफ टाइप आप बना सकते हैं, 2 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, HTML की हेडिंग भी हो सकते हैं इसमें। उसके बाद है की प्रोडक्ट फीचर्स, जिनको हम बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं, वो ये वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कितने मिला सकते हैं, आप ये देखें, एड मोर करते जाएं, आपको यहाँ पर पता लग जाएगा आप कितने ऐड कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आपको यहाँ 10 ऑप्शन मिल जाएंगे। हाँ जी, कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 और 5 10, तो ये आपके पास 10 उसने दे दिए हैं। लेकिन हमने जो देखा है वो कितने थे, हमने अभी तक जितने भी देखे हैं वो हमें 5 ही नजर आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर, अच्छा इसमें आपने शायद देखा हो कि किसी किसी लिस्टिंग में ज्यादा भी नजर आते हैं, किसी प्रोडक्ट में आपको ज्यादा भी नजर आ जाते हैं, लेकिन 5 जो हैं वो तो सबको ही मिलते हैं। 5 से ज्यादा भी किसी को मिल जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि कैटेगरी कौन सी है। तो आपने 5 बुलेट पॉइंट्स जरूर ऐड करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कंपलसरी नहीं है कि आप 5 करेंगे ही तो लिस्टिंग आपकी बनेगी, आप अगर 2 के साथ भी जाएंगे तो लिस्टिंग आपकी बन जाएगी 2 बुलेट पॉइंट्स के साथ, ठीक है। ये आप पे ही डिपेंड करता है आप कितने लगाना चाह रहे हैं। उसके बाद ये है कैप्सिया वार्निंग है, ये लंबा चौड़ा काम है, ये क्या है, आपकी कोई प्रोडक्ट जो है हैजार्डस सब्सटेंस उसके अंदर तो नहीं है, कुछ ऐसा नुकसानदेह कोई मटेरियल या ऐसी कुछ चीज़ है, तो आप फिर उसके हिसाब से यहाँ से भी सिलेक्शन करेंगे। तो हम ऐसी किसी प्रोडक्ट को लॉन्च ही नहीं करते केमिकल टाइप या ऐसी कोई जो नुकसानदेह हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कीवर्ड्स आ गए। देखें, हमने बात की थी कि जो लिस्टिंग होती है उसमें फ्रंट एंड भी होता है और बैक एंड भी होता है, ठीक है। तो ये इस लिस्टिंग का बैक एंड है, सर्च टर्म्स। यहाँ पर आपने अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं जो आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट हैं, जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आप हीलियम से सर्च करेंगे वो यहाँ पर भी आप उनको डालेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है सर्च टर्म्स दैट डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट, नो रेपिटेशन, नो कंपेटिटर ब्रांड नेम आर एशियंस। अब आप, ये अमेजोन ने रिकमेंड कर दिया कि आपने किसी ब्रांड का नाम यहाँ यूज नहीं करना, किसी भी ब्रांड का एशियन यूज नहीं करना। यहाँ करने का मकसद ये होगा कि अगर हम इन कीवर्ड्स पे, हमें ट्रैफिक मिलेगी, अमेजोन ट्रैफिक लेके आएगा हमारे इन कीवर्ड्स पे, तो आपने ब्रांड नेम यूज नहीं करना, आपने किसी का एशियन यूज नहीं करना यहाँ पे। हालांकि हम पीपीसी में एसिन टारगेटिंग करते हैं, पीपीसी में हम अमेजोन से कहते हैं कि फलां एसिन पे मैं बिड लगा रहा हूँ, तो उसके बाद जो ट्रैफिक आएगी मेरा ऐड भी शो करवाओ उसके साथ, तो एसिन टारगेटिंग हम करते हैं। लेकिन यहाँ बैक जो सर्च टर्म्स हैं इसके अंदर ना एसिन डालना है आपने, ना आप ब्रांड नेम डालेंगे किसी का, ठीक है। उसके बाद मोर डिटेल्स आ जाती हैं, तो मोर डिटेल्स में भी जो सारी चीज़ें हैं वो ऑप्शनल हैं, लेकिन ये लिस्टिंग आपकी जो होगी वो तब ऑप्टिमाइज होती है जब आप हर चीज़ जो आपकी रेलिवेंट चीज़ें हैं वो आप सारी फिल कर दें, ठीक है ना। तो इसके बाद आप ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे और सेव एंड फिनिश कर देंगे। अभी चूंकि हमने कुछ किया ही नहीं है, खाली ऐसे ही जो चक्कर लगाया, इसलिए सेव एंड फिनिश का जो बटन है वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो हमने ये सारी लिस्टिंग का जो प्रोसेस है मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन ये लिस्टिंग जब हम बनाते हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अभी जो है, हम कल इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूँगा कि हम यहाँ पर अपनी क्लास में अमेजोन का अकाउंट बनाएं। अगर मैं कल बनाऊँगा तो आप लोग भी फिर उसको बनाएंगे, आप लोग जो है परसों की क्लास तक बना लेंगे या कोशिश कर लें। वैसे उसके अंदर आपको क्या चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए और आपका जो CNIC है फ्रंट एंड बैक एंड, इसको स्कैन करवा लें, और बाकी आपका नेम है, कुछ भी नहीं है, ये मेजर चीज़ें हैं। कल इंशाल्लाह करेंगे तो हम देख लेंगे। बाकी आपको बाद में वेरिफिकेशन भी करवानी होती है, जिसमें आपको बिल चाहिए होता है, आप उस बिल को यूज़ करते हुए भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं।
एड्रेस की, जो आप एड्रेस यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप, हम अकाउंट बनाएंगे इंशाल्लाह। फिर अकाउंट बनाने के बाद आप उस पर लिस्टिंग बनाइएगा। तो ये लिस्टिंग वाली जो प्रैक्टिस है ये आप करेंगे तो ये लिस्टिंग में आप फंसेंगे, ज़रूर फंसेंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स के साथ हम जो है उनको फिक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वाला हैंड्स ऑन मिलेगा। देखिए बैंक स्टेटमेंट अगर नहीं है तो बैंक तो आपने कोई बताना है ना अपना, तो आप अपना नाम नहीं है तो किसी के नाम पे बना लें, अपने फादर के नाम पे बना लें, लेकिन कोशिश करें कि जो भी नाम यूज करना है वो दोबारा उस नाम पे अकाउंट नहीं बन सकेगा, ठीक है। वो एक अकाउंट की जो डिटेल्स है ना वो ख़त्म हो जाएंगी, वो दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकेंगे, इसलिए हर चीज़ लेजिट होनी चाहिए, कोशिश कीजिएगा। अच्छा जी, लिस्टिंग जो होती है ना उसमें लिस्टिंग बनाने से पहले आपको एक चीज का पता होना चाहिए, वो है कैनोनिकल यूआरएल, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या है और कहाँ होता है और लिस्टिंग बनाते वक्त हमें क्यों जरूरी है इसका पता होना और इसका फायदा क्या है। यहाँ से मैं कोई एक लिस्टिंग जो है वो उसको ओपन करता हूँ, स्पॉन्सर्ड ना हो कोई और हो, चलें ये वाली मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अच्छा जी, इस लिस्टिंग में कैनोनिकल यूआरएल है। अच्छा, मुझे कैसे पता चला, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसके ना, ये जो आपकी लिस्टिंग ओपन हुई हुई है इसमें कोई भी वाइट जगह है ना जहाँ लिंक नहीं बन रहा, जैसे ये देखिए मैं यहाँ लेके जाता हूँ तो लिंक है ये, लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो लिंक खत्म हो जाता है, एरो नजर आना चाहिए। यहाँ पर राइट क्लिक करें और इसके सोर्स कोड व्यू पेज सोर्स में चले जाएं, ठीक है। व्यू पेज सोर्स की यहाँ पर उसने कंट्रोल यू के नाम से भी बताया कि आप कंट्रोल यू भी कर सकते हैं, तो अगर आप कंट्रोल यू करते हैं तो आप इसके सोर्स कोड में चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सोर्स कोड क्या है, ये इस पेज की बैकग्राउंड है कि इसके अंदर जो कोडिंग हुई हुई है वो सारी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड करते हैं कंट्रोल एफ करके, कैनोनिकल में लिखता हूँ, सी ए एन ओ एन आई सी ए एल, कैनोनिकल लिख के मैं एंटर करता हूँ। तो ये देखें, ये कोड में मुझे उस जगह पे ले गया जहां पर कैनोनिकल लिखा हुआ है, लिंक रिलेशन इज इक्वल टू कैनोनिकल, और आगे देखें ये https www.amazon.com और आगे स्लैश के बाद amazon basics, फिर आगे रीयूजेबल हार्ड साइडेड स्क्वेयर, ठीक है, और उसके बाद स्लैश bp और आगे asin आ गया। तो ये जो है ना ये लिंक, ये कैनोनिकल यूआरएल कहलाता है। यूआरएल का पहले मैंने बताया था लिंक को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका कैनोनिकल यूआरएल है, ये देखें आपको अगर ऊपर देखें तो ये आपको नजर आ रहा है, ये यहां तक बार कोड तक, सॉरी एसिन, ये जो आपका एसिन है उस तक, ठीक है। इसमें अमेजोन बेसिक्स रीयूजेबल साइडेड स्क्वेयर मल्टीकलर, ये पांच वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये पांच वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो आपकी प्रोडक्ट को सही रिप्रेजेंट कर रहे हों। इनमें ये फर्स्ट वाला आपका ब्रांड नेम भी हो सकता है, और अगर आप चाहते हैं ब्रांड नेम ना हो तो ब्रांड नेम के बगैर भी जा सकते हैं, लेकिन ये पांच कीवर्ड्स मिलके कैनोनिकल यूआरएल बनता है, ठीक है। ये बनता कब है, जब आप लिस्टिंग बनाते हैं फर्स्ट टाइम तो आप जो टाइटल में जो कीवर्ड्स डालेंगे ना वो कीवर्ड्स अमेज़न उठाएगा और आपका कैनोनिकल यूआरएल सेट करेगा, ठीक है। इसलिए आपके जो कीवर्ड्स होने चाहिए वो सेकेंडरी कीवर्ड हों टाइटल के अंदर, जो आपकी लिस्टिंग को प्रॉपर तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हों। अच्छा, कैनोनिकल यूआरएल का कोई फ़ायदा कि हमें ये क्यों बनाना है या ये बनाना ज़रूरी है या नहीं, तो ये बनाना ज़रूरी नहीं है,
ये हम खुद नहीं बनाते, हम सिर्फ उसे कीवर्ड्स वो बताते हैं, या शुरू में हम कीवर्ड्स वैसे यूज करते हैं जो अमेजोन उठाता है और कैनोनिकल यूआरएल बना देता है। लेकिन क्या ये बनाए बगैर अगर हम इस चीज का ख्याल ना रखें तो क्या होगा? तो अमेजोन के एंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका फायदा आपको कहाँ पे होता है? गूगल की रैंकिंग में। आप लोग देखते हैं कि आप कोई बंदा इन्हीं कीवर्ड को यूज करते हुए अगर प्रोडक्ट सर्च करता है, और अगर ये कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट के आपके कैनोनिकल यूआरएल में है, तो आपकी जो प्रोडक्ट का लिंक है ना अमेजोन वाला, वो उसे शो होगा। कि मतलब वो गूगल पे सर्च कर रहा है, गूगल के सर्च के नतीजे में भी आपकी प्रोडक्ट उसे नजर आ रही है, वो इस वजह से कि उसका कैनोनिकल यूआरएल सेट हुआ हुआ था उन्हीं कीवर्ड्स पे। तो अगर वो उन्हीं कीवर्ड्स पे सर्च करता है तो आपका जो प्रोडक्ट है उसको नजर आ जाएगा उसका लिंक अमेजोन वाला, तो यहाँ से वो डायरेक्ट अमेजोन पे क्लिक करेगा और वो आपके पेज पे पहुंच जाएगा। सही है? तो ये कैनोनिकल यूआरएल का फायदा है, ये हमें पता होना चाहिए कि कैनोनिकल यूआरएल कब बनता है। तो जब लिस्टिंग का टाइटल हम लिख रहे होते हैं, उस वक्त उसमें वो वाले कीवर्ड डालने होते हैं जो आप चाह रहे हैं कि आपके कैनोनिकल यूआरएल के अंदर हो। अच्छा, अब ये जो कीवर्ड, ये जो लिस्ट थी, इसमें इसका ब्रांड नेम अमेजोन बेसिक्स के नाम से है। ये देखें, विजिट द अमेजोन बेसिक स्टोर्स, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये स्टोर आ जाएगा इसका वैसे। ठीक है, तो ये अमेजोन बेसिक्स इसका ब्रांड नेम था, ये देखें। ठीक है, और इसने बाकी जो चार कीवर्ड्स मिला के टोटल पांच ही आते हैं इसमें। ये स्टोर, इसको कहते हैं स्टोर फ्रंट, ये स्टोर फ्रंट है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया इसका भी दे दिया कि ये आपका कैनोनिकल यूआरएल। और कैनोनिकल यूआरएल के बारे में ये कहा जाता है कि ये जब आप लिस्टिंग बनाते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसी वक्त ये बनता है, उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने सही नहीं बनाया तो अगर वो बन गया है तो आप उसको फिर चेंज नहीं कर पाएंगे, अमेजोन चेंज नहीं करने देता। ये अमेजोन का एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली इसको बनाता है, तो ना इसमें आपकी कोई बनाने में एफर्ट होती है, आपने जस्ट कीवर्ड सही चुनने होते हैं। ठीक है, तो ये आप इसलिए ये भी हम ध्यान रखेंगे जब लिस्टिंग बनाएंगे। देखें, ये जो वीक चल रहा है इसमें हमने लिस्टिंग भी बनानी है, और आप लोग बनाएंगे, जो लोग अकाउंट बना लेंगे, अकाउंट भी बनाना है अमेजोन का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें अगर आपका पिछला काम पेंडिंग है तो इसको साथ अभी लेके चलें, अमेजोन का अकाउंट बनाने की कोशिश करें। ठीक है, और बन जाता है तो फिर आप उस पर लिस्टिंग अपनी ये वाली जो है हैंड्स ऑन कर सकते हैं, लिस्टिंग वाला। और जब आप ये करेंगे ना, अभी मैंने आपको बताया मैंने बनाई नहीं है लिस्टिंग, जब हम बनाने बैठते हैं तो कई मसाइल आते हैं हमें। मतलब अमेजोन कहते नहीं जी ये ऐसे नहीं है, ये चीज़ वो नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड चेंज चीज़ें होंगी हमें अमेजोन के साथ, जो है हो सकता है कि अमेजोन के साथ केस ओपन करके इसको रिजॉल्व करना पड़े। ठीक है, तो ये आपका हैंड जोन हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपके पास अमेजोन का अकाउंट होना जरूरी है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है ये वीक, इसलिए इस पे फोकस करें और काम अपना करें साथ साथ। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल मजीद काम करेंगे इस पे, कल इंशाल्लाह अमेजोन का अकाउंट बनाएंगे। चलें, ठीक, अल्लाह हाफिज़।